हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो एकदम सुबह का टाइम है, एकदम सुबह तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा जैसे 9 बज रहा है अभी, तो 9 बजे का टाइम है और मैं चाय अपने लिए बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आज लेट हो गया है क्योंकि हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, तो मैं अकेले ही हूँ। अकेले के लिए चाय बनाने में वैसे भी बहुत आलस आता है। और इधर जो है मलाई मैं निकाल के रखी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसका मैं घी बनाऊँगी। और अभी ना मैं चाय पी ली हूँ और फिर से वापस से किचन में आ गई हूँ। वही है, सुबह से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। और ध्यान आया कि रात में मैं दही भी जमाना भूल गई थी, तो वही अभी दही जमा दूँगी मैं। काम तो बहुत है कभी कभी, लेकिन होता है ना एकदम मतलब मन ही नहीं करता है काम करने का। और हस्बैंड भी अभी नहीं है घर पर, तो और ज़्यादा ही आलस आलस आ रहा है। यहाँ पर ना मैं जब चाय पी रही थी तो टीवी भी देख रही थी, तो साथ ही साथ ना इतना सारे लहसुन भी मैं छील ली हूँ। जितना भी रहेगा ना उसको मैं बॉटल में रख दूँगी और थोड़ा सा निकाल के रखूँगी, अभी जो सब्जी बनाऊँगी उसमें यूज़ होगा। तो जब भी मैं दही जमाती हूँ ना, तो ये जो जोरन है इसको अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ, इससे दही बहुत अच्छा जमता है। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। और वही है, दूध को हल्का गुनगुना करके और फिर मैं इसमें डाल के मिला कर एक जगह साइड में रख दूँगी। तो चलिए जल्दी से ना मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी में ना मैं चना की सब्जी बनाने जा रही हूँ क्योंकि अनुषा और मैं ही खाने वाले हैं। तो अनुषा को ना चना हुआ, छोला हुआ, राजमा हुआ, इस टाइप का खाना बहुत पसंद है। और हस्बैंड गए हैं ऑफिशियल ट्रिप पे 6 दिन के लिए, तो वही मेरा प्लान है कि इसी टाइप का कुछ कुछ बना के मैं उसको देती रहूँगी। तो नॉर्मली हमारे घर का रूटीन रहता है ना कि 2 से 3 बार तो चाय हो ही जाता है सुबह, कम मिनिमम 2 बार तो हम लोग पीते ही पीते हैं। लेकिन जैसे आज हस्बैंड नहीं है ना, तो बस एक ही बार मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ, दूसरी बार मन ही नहीं कर रहा है कि अपने लिए मैं चाय बना कर पीऊँ। तो वही है, इसीलिए शायद काम में भी उतना मन नहीं लग रहा है। लेकिन चलिए, खाना तो बनाना है, घर है तो वो तो मेस होता ही रहेगा और उसको साफ़ करना ही है, तो ये सब काम तो हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। भले मन ना करे करे हम लोग को करना ही है हर दिन का काम, नहीं तो अगले दिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब तक मसाला भून रहा है ना, मैं ये जितने भी रात के धुले हुए बर्तन है ना वो सब सूख गए हैं, तो उसको जगह पर रख दूँगी। तो देखिए इधर मसाला भी भून चुका है, तो इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी थोड़ी देर तक भूनूंगी। तो जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मेरा यही रहता है कि सब बाकी भी पैरेलली काम में निपटाती ही चली जाऊँ, क्योंकि अलग से आके किचन का काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो इधर मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें चना ऐड कर दूंगी और इसे ना सब मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद ना इसमें नमक ऐड करना है। तो इधर ना मैं नमक स्वाद अनुसार इसमें डाल दी हूँ और साथ ही साथ इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी में। और लास्ट में ना इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसे ना 4 से 5 सीटी लगवा दूंगी। और जब तक सब्जी बन रहा है ना, तब तक मैं थोड़े बहुत बर्तन हो चुके हैं सुबह से, तो उसको भी मैं वॉश करके रख दूंगी। और बस लास्ट में किचन का जो स्लैब होता है ना उसको भी अच्छे से मैं पोंछ दूंगी, तो इधर मेरा किचन एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तो इधर मलाई मैं चेक कर रही थी, तो ये भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। तो इधर ना मैं टीवी देखते देखते ही मक्खन निकाल लूँगी। तो मैं ना कोई जार वार यूज़ नहीं करती हूँ मक्खन निकालने के लिए, ऐसे ही हाथ से फेंटेंगे ना उसी बर्तन में जिस बर्तन में मलाई मैं जमाती हूँ, उसी बर्तन में एक चम्मच के मदद से ना उसको फेंट लूँगी और मक्खन आराम से निकल आता है। 10 मिनट के अंदर आपका मक्खन निकल आएगा। और मैं कोई जार वार यूज़ नहीं करती हूँ, वो बहुत ही मैसी लगता है और ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। और इधर ना सब्जी बन चुका था, तो उसे उस सब्जी को ना दूसरे बर्तन में मैं शिफ्ट कर दी हूँ और उसी कुकर में ना चावल भी मैं रख दी हूँ। तो सुबह सुबह ही ना कपड़ा मशीन में धोने के लिए भी मैं डाली थी, तो धुल चुका है, तो इसको जल्दी जल्दी ना मैं सूखने के लिए भी डाल दूँगी क्योंकि आज दिखा रहा है कि बारिश हो सकता है और मौसम भी वैसे ही लग रहा है, तो इसीलिए जितना जल्दी कपड़ा सूख जाए उतना अच्छा है। और अभी ना रुक रुक के कुछ कुछ दिन में ना बारिश हो जा रहा है, तो गर्मी भी ना थोड़ा सा कम हो गया है, तो अच्छा लगता है अभी वेदर बेंगलोर का। तो इधर ना हमारा लंच वंच हो चुका था और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर ली थी। अब आई हूँ ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। तो इसके जो ड्रॉर्स है ना काफ़ी दिनों से मैसी हो चुके हैं, इनफैक्ट दोनों रूम के ड्रॉर्स का हालत वैसा ही है। तो सोची चलो एक रूम से तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा तो क्लीन कर लेते हैं।
तो हर दिन ना मैं एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि छोटा सा ही एरिया मैं उसको एक डीप क्लीनिंग करती जाऊँ, क्योंकि इकट्ठे तो हम लोग से काम होगा नहीं और घर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसी लगा ही रहता है। तो छोटा और छोटा एरिया भी अगर हम लोग क्लीन करते जाए ना, डीप क्लीनिंग करते जाए, तो उतना ज़्यादा काम हमारे लिए बढ़ेगा नहीं। और अनुषा का स्कूल भी खुलने वाला है, तो जैसे बैंड बैंड्स हुआ या फिर क्लिप्स हुआ, तो ये सब ढूंढने में उनका चक्कर हो जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही अच्छे से मैं टाइडी अप कर लूँ और सबको अच्छे से रख दूँ, तो इजी हो जाता है उस समय भी। और ये जो ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है ना, ये मतलब जैसे आप एग खरीदते हैं ना, तो उसका जो डब्बा रहता है उसमें ऑलरेडी डिवाइडर बना रहता है, तो उस सब चीज़ को मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ और अच्छा स्ट्रांग रहता है ये सब चीज़, तो वी कैन यूज़ इट। और बॉक्सेस वगैरह भी बनाना रहता है ना, तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि कौन सा शेप और साइज़ का ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं बॉक्सेस भी बना लेती हूँ। नहीं तो बाहर जाके ढूंढो वही साइज़ और शेप का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन का तरीका भी ना मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, तो वही है कि एक पर्टिकुलर खरीद ली बॉक्सेस, तो उसको फिर मतलब वो फेंकने में भी अजीब सा लगेगा। तो ऊपर का ड्रॉअर पूरा क्लीन हो गया है, अब नीचे वाला भी थोड़ा ज़्यादा ही मैसी हो चुका है, तो उसको भी मैं टाइडी अप कर दूंगी। बहुत सारा तो क्रीम के बॉटल्स मेरे को एम्प्टी ही दिख रहे हैं, तो वो सब भी अच्छा है कि इसी हाथ डिक्लटर भी हो जाएगा। तो कहीं कुछ भी क्लीन करो ना कुछ तो मतलब ऐसे फालतू चीज़ निकल ही आता है, तो देखिए वो फालतू का हमारा स्पेस भी लेता रहता है, तो इसीलिए क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान है हमारे घर से निकलता रहे, ऐसे ही घर क्लीन होगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो देखिए इधर कितने सारे क्रीम के बॉटल सब एम्प्टी रखे हुए हैं, मतलब ऐसे ही रखे हुए थे, तो इतना सारा एक्स्ट्रा जो फालतू का चीज़ रखा हुआ था वो निकल ही आया। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।